आप में से कोई है कुछ बात बात कुछ बताओ ताकि ऑडियो आउटपुट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझ में आ जाएगा। हेलो, कोई भी कुछ बोलो। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जो कल मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग का बातें सुना क्यों नहीं दे रहा है? यस सर, ना बोल दो। यस सर। जो हाँ ठीक है, चलो 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 ठीक है। अब देखो, अगला दिन मैंने हल्का शुरू आ रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जैसे कल मैंने एग्जाम्पल लिया था सी दिख रहा है ना? हेलो, बोल दो। सर्विसिंग में दिया था तो उतना आने के बाद आई होप Thank you.
सेकंड मॉलिक्यूल में सेकंड क्या बोला था कि दोस्त टू मॉलिक्यूल्स आर सेम और दोस्त आर डिफरेंट। कल भी मैंने सेम क्वेश्चन ही पूछा था कि दिस टू मॉलिक्यूल्स आर सेम और डिफरेंट, बस आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा आप सुन रहे हो ना सब, या फिर बंद है सब? सब बस सुन पा रहे हो मेरे बात? मुझे डाउट हो रहा है। सुन यस सर, सुन रहे हैं। रहे हो ना? ठीक है, तो मैंने अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछा कि दिस ठीक है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है और डिफरेंट है? दिस टू डिफरेंट ही मॉलिक्यूल है, डिफरेंट है सर, डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है? एनी आइडिया सब व्हाई? प्लेन की वजह व्हाई? से। क्लोरीन बेलो द प्लेन है, हाँ और तो उससे क्या होगा? ठीक है, प्लेन है तो है, उससे मतलब कॉन्फ़िगरेशन में इफेक्ट होगा। कॉन्फ़िगरेशन में इफेक्ट होगा तो क्या होगा? अब मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना? हाँ सेम, सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, मेरा वॉइस आ नहीं रहा है क्या? सब तो रिप्लाई दे रहा सर बीच बीच में है। आपका वॉइस कट जा रहा है। अच्छा, बीच में कट रहा है तो ठीक है, जब भी कट जाए ना मुझे बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, अब देखो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ये हो गया आपका क्लोरीन, जो जो मैं बोल रहा हूँ उनको समझ लो, क्योंकि ये काम आएगा। हाईलाइटर, ये आपका हो गया क्लोरीन बॉक्स ट्राइंगल में। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रोमीन, एंड मान लो जो गोल वाला पार्ट है ये आपका इथाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, तो अब एक काम करो, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट कर दो। कैसे रोटेट करोगे? थोड़ा सा इनको रोटेट करो ताकि जो इथाइल ग्रुप है वो ऊपर से लग जाए। जो इथाइल ग्रुप है ना, पीटी ग्रुप, दिख रहा है कुछ? इतना लेट करके क्यों आते हैं सब? मैंने क्या बोला कि अभी इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट कर दो ताकि मान लो कि जो इथाइल ग्रुप है वो ऊपर चला जाए तो क्या होगा? कार्बन आएगा बैक के साइड, क्लोरीन होगा फ्रंट के साइड, ब्रोमीन होगा एंड इन द प्लेन, मतलब प्लेन पे इथाइल होगा। ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया ना? अब देखो जो सेकंड मॉलिक्यूल है, जो आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, इनको भी थोड़ा सा आप रोटेट करोगे। कैसे करोगे? इथाइल को ऊपर कर दो, पीछे के साइड बैक साइड ब्रोमीन आ जाएगा, फ्रंट साइड क्लोरीन आ जाएगा एंड इथाइल आ जाएगा। अब इनको मार्क कर दो। क्लोरीन था ट्रायंगल में, ब्रोमीन था एक ट्रायंगल में, और इथाइल था सर्कल में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एनी डाउट? सेम मॉलिक्यूल है, बस थोड़ा सा रोटेट किया हुआ मॉलिक्यूल को, सेम ही है। देखो ये आपका मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल बी, दिस मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल बी। एनी डाउट जो मैंने किया अभी? नो सर, नहीं डाउट है ना? ठीक है,
अब मान लो कि आपके बॉडी में रिसेप्टर क्या होता है, व्हाट इज रिसेप्टर, एनी आइडिया? रिसेप्टर के बारे में आइडिया? तो रिसेप्टर वो साइट होती है जहां पे एंजाइम जाके बाइंड करता है फिर कोई एंजाइम एक्सेप्टर जाके, एंजाइम और एनी, हाँ एंजाइम हो सकता है, ड्रग ड्रग भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक रिसेप्टर है बॉडी पे, मान लो आपका पीएलपी मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, दिस इज पीएलपी, को छोटा कर देता हूँ। दिस इज पीएलपी मेम्ब्रेन, ओके, जो बोल रहा हूँ सुन लो। इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है आपका? मेम्ब्रेन के ऊपर मान लो कि रिसेप्टर है, ठीक है, दिस इज रिसेप्टर, देख रहा है ना ड्राइंग? यस सर तो रिसेप्टर जो रिसेप्टर है, जूम कर रहा हूँ, ठीक है, जो रिसेप्टर है इसको मैं जूम कर रहा हूँ, और मान लो रिसेप्टर में जो बाइंडिंग साइट है आपका, अटैचमेंट है, उनका शेप कुछ इस टाइप का, ठीक है, जो आपका बाइंडिंग साइट है वो इस टाइप का है। अब बताओ इस बाइंडिंग साइट में मॉलिक्यूल ए बाइंड हो पाएगा या मॉलिक्यूल बी बाइंड हो पाएगा? मतलब इतना कंफर्म है कि जो गोल वाला साइट है इसमें इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप चाहिए, क्या लेते हो? सर मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल ए, ओके, यस, एक मिनट, मॉलिक्यूल ए बाइंड होगा, लेकिन मॉलिक्यूल बी बाइंड हो पाएगा तभी? कैसे नो सर भी करके देखो, मॉलिक्यूल बी को अपने तरीके से रोटेट करके देखो, इज इट पॉसिबल दैट मॉलिक्यूल बी कैन बाइंड विद दिस रिसेप्टर? बाकी लोग आंसर दो, यहाँ पर रिसेप्टर हो गया। नो सर तो क्या हुआ अल्टीमेटली? मॉलिक्यूल ए कैन बाइंड विद द रिसेप्टर, बट मॉलिक्यूल बी कैन नॉट बाइंड विद द सेम रिसेप्टर। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ए कैन एक्ट एज एन ड्रग, बट मॉलिक्यूल बी कांट। इतना समझ में आ गया? यस सर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग कोई रिप्लाई दे ही नहीं रहे, बाकी लोग बताओ, सब कुछ समझ में आ रहा है? देखो बहुत छोटा सा बात है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो बाकी बाद में जाके। रिसेप्टर वाला समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है, देखो रिसेप्टर का मैंने क्या बताया कि रिसेप्टर में बाइंडिंग साइट होता है, तो मान लो दिस इज बाइंडिंग साइट वन, दिस इज बाइंडिंग साइट टू, दिस इज बाइंडिंग साइट थ्री। इन बाइंडिंग साइट वन ओनली इथाइल ग्रुप कैन अटैच, ओके, इनका शेप ही ऐसा है, बाइंडिंग साइट वन का शेप ऐसा है कि ओनली इथाइल ग्रुप कैन अटैच, ठीक है। मॉलिक्यूल जो बाइंडिंग साइट टू है उनका शेप ऐसा है कि ओनली क्लोरीन कैन अटैच, एंड जो बाइंडिंग साइट थ्री है उसका शेप ऐसा है कि ओनली ब्रोमीन कैन अटैच, ओके, मतलब इसमें इथाइल ग्रुप ही होगा, दूसरा कुछ बाइंड हो नहीं सकता, ओनली इथाइल ग्रुप कैन बाइंड। टू में क्या होगा? ओनली क्लोरीन कैन बाइंड, एंड थ्री में ओनली ब्रोमीन कैन बाइंड। तो अब मॉलिक्यूल जो ए है ना, ए को कैसे भी आप रोटेट कर दो, एनी हाउ, ए को आप घुमा के देख लो, कैसे भी, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिस इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कैसे भी घुमा के देख लो, बाइंड हो नहीं पाएगा, सॉरी जो ए है वो बाइंड हो पाएगा, लेकिन अब बी को कैसे भी करके देख लो, घुमा के देख लो थ्री डायमेंशनल पे, बी क्या होगा? रिसेप्टर में बाइंड हो नहीं पाएगा। कोशिश करके देखना, अगर थ्री डायमेंशनल आपके पास कुछ होगा बॉल वगैरह तो देखना, क्योंकि क्लोरीन देखो सामने है, ब्रोमीन पीछे है, और इथाइल क्या है प्लेन पे है, तो
मान लो इथाइल प्लेन पे आ भी गया तो ब्रोमीन और क्लोरीन आपस में काउंटर मतलब बैठ नहीं पाएगा। इथाइल तो बैठ जाएगा ठीक है, लेकिन क्या होगा, ब्रोमीन क्लोरीन बैठ नहीं पाएगा, मतलब इसे टर्न में बाइंड नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई दिस टू मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, दो दे आर लुकिंग सेम, दे आर अटैचमेंट आर सेम, दे आर मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, बट वन मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ड्रग बट अदर मॉलिक्यूल कांट एक्ट एज ड्रग। इतने समझ में आया, यस सर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो डिफरेंस समझ में आ गया, देखने में सेम होने से भी अलग अलग होता है। आप बता दो जो मॉलिक्यूल ए है इनका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर और एस, मॉलिक्यूल बी का क्या होगा, आर और एस। आर एस का पहले सिग्निफिकेंस को समझो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर एस, बताओ मॉलिक्यूल ए क्या होगा आर और एस। बता दो कोई भी बता दो। किसी को नहीं पता है क्या? किसी को नहीं पता है मॉलिक्यूल ए का? सर ए इज आर, सर ए इज आर और बी बी क्या होगा, बी ए सी होगा, एक आर होगा तो दूसरा ए सी होगा। ब्रोमीन ए आर कैसे हो गया? इज वन हाँ ब्रोमीन इज वन क्लोरीन वन, टू हाँ क्लोरीन टू, इथाइल थ्री इथाइल थ्री, हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन कहाँ पे है, मिथाइल है, मिथाइल स्कोर सर मिथाइल स्कोर। हाँ अब क्या करोगे, वन टू थ्री वन फोर टू फाइव थ्री जाएगा तो ऐसा एंटी आएगा। क्लॉक, और क्योंकि क्लोरीन बेलो द प्लेन है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, क्लोरीन को नहीं दिखा जाता है, नहीं मतलब फोर्थ जो सॉरी जो सॉरी फोर्थ ग्रुप है फोर्थ उनको ग्रुप दिखा जाता है ठीक है, फोर्थ ग्रुप को दिखा जाता है, फोर्थ ग्रुप इज अबव द फोर्थ। प्लेन तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा मतलब आर सॉरी नहीं 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 इसमें देखो दिक्कत है, फोर्थ ग्रुप तो अबव द प्लेन भी नहीं है, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन भी नहीं है ओके सर ठीक है, फोर्थ ग्रुप तो इन द प्लेन है, मतलब प्लेन पे ही है। तो आप क्या करोगे, फोर्थ ग्रुप ना तो सर बिलो है एंटी क्लॉक जा रहा है फिर ना तो अबव है, कुछ भी नहीं है। देखो इनको अगर अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया ना कि जो फोर्थ वाला ग्रुप है दिस इज इन द प्लेन, देन क्या करोगे, मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे। जैसे यहाँ पे देखो ब्रोमीन हो जाएगा आपका टू, ब्रोमीन वन, इथाइल थ्री, ऐसे आ रहा है ना, या फिर समझ में आ रहा है? यस तो सर आप मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रॉ करो कि जो फोर्थ ग्रुप है वो पीछे की साइड चला जाए ठीक है, पीछे क्योंकि सामने आएगा तो आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मॉलिक्यूल को आप ऐसे ड्रॉ करो, बिल्कुल मैं रख करता हूँ, जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ पर जाए, पीछे बैक साइड चला जाए। तो कैसे ड्रॉ करोगे, एनी आइडिया? देखो फोर्थ ग्रुप को मैंने क्या किया, मिथाइल को पीछे डाल दिया, देख रहे हो ना, यस सर तो ग्रुप ग्रुप जो थ्री होगा वो कहाँ पर आएगा, सामने आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा इथाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है कुछ? देखो थ्री थ्री डायमेंशनल पे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, अगर वैसे पॉसिबल नहीं है। थ्री डायमेंशनल पे आपको इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा, अगर फोर्थ ग्रुप मॉलिक्यूल को ऐसे, मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों प्लेन पे आ जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा ऊपर, क्लोरीन आ जाएगा नीचे,
बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपका मोटिव क्या होगा कि जो फोर्थ वाला ग्रुप होगा उसको पीछे रखना है और बाकी जो तीन ग्रुप होगा उनको आपके फ्रंट पे रखना है? ठीक है, फोर्थ ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम योर व्यूइंग एंगल। किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना? मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था केम डॉट तो ओके मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, दिस वन इज कल से ठीक हो जाएगा, कल से मेरा लैपटॉप ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके दिस वन इज क्लोरीन। अच्छा दिख रहा है, तो मैंने ड्रॉ किया। ओके ये सब दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, तो बैक साइड है ना, ब्रोमीन ब्रोमीन फ्रंट साइड है और बाकी बाकी प्लेन पे है पूरा मॉलिक्यूल। इसमें भी आपका आएगा दो दो हाइड्रोजन आएगा, एक एक हाइड्रोजन बैक पे आएगा, एक हाइड्रोजन फ्रंट पे आएगा, दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट का आपका क्या होगा, इस पॉइंट का स्टेडी आइसोमर क्या होगा, सॉरी थ्री डी वाला सॉफ्टवेयर आपका वन क्या होगा? अच्छा छोड़ो, इसमें थ्री डी नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम अगर जो फोर्थ ग्रुप अगर प्लेन पे है, मान लो कि फोर्थ ग्रुप जो है वो आपको प्लेन पे रह गया, तो मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट करोगे करके फोर्थ ग्रुप को पीछे के साइड लेके जाओगे। ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं आया छोड़ दो अभी। ठीक है, अब आर और एस का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर एंड एस?
बोल लो, आरएनए का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? एक समझ में आ जाना चाहिए, वन कैन एक्ट एज एन ड्रग एंड अनदर कांट एक्ट एज एन ड्रग, उसमें तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो मान लो एक मॉलिक्यूल में आर भी है एंड एस भी है, ठीक है, मान लो कुछ इस टाइप का लोडिंग हो गया, ब्रोमीन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन हो गया पीछे के साइड, ब्रोमीन हो गया सामने के साइड, क्लोरीन हो गया, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इनको बस समझ लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था आपको, जो फोर्थ ग्रुप होगा उनको दैट शुड बी अवे फ्रॉम योर व्यूइंग एंगल, बताया था ना मैंने, फोर्थ ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम योर व्यूइंग एंगल। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन इज दिस कार्बन, ओके, एंड दिस कार्बन इज दिस कार्बन। इसमें क्या होगा, ब्रोमीन इस साइड पे, क्लोरीन इस साइड पे एंड नीचे हाइड्रोजन, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सॉहर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉहर्स स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी फोर्थ ग्रुप होगा, अच्छा मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है, पहले नहीं थी। अभी क्लियर है ना? तो मैं जो बोल रहा था वो समझ में आ रहा है, कि द फोर्थ ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम योर व्यूइंग एंगल। यस सर, पिछले बार भी मैंने बताया था ना कि कैसे भी करके फोर्थ ग्रुप को, जो फोर्थ वाला ग्रुप होगा उनको पीछे के साइड लेके जाना पड़ेगा। देखो फोर्थ को पीछे के साइड लेके गया था मैंने, और तो व्यूइंग एंगल के क्या हो गया, सामने से देख रहा हूँ ना, इस साइड से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो आपका आँखें हैं तो मैं, हम इस साइड से देख रहे हैं, फोर्थ ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम योर व्यूइंग एंगल, ठीक है, आर एस कॉन्फिगरेशन निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका है ये। तो इसमें आप कहाँ से दिखोगे मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ना इनको आप ऊपर से देखोगे, मतलब आपका जो व्यूइंग एंगल है वो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, इस साइड पे होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? यस कैसे भी सर, करके फोर्थ फोर्थ ग्रुप को आपको पीछे लाना पड़ेगा, देन कोई दिक्कत नहीं होगा आपके साथ। तो अब बताओ कौन सी आर होगा कौन सी एस होगा, ठीक है ना, 1 2 3 हो गया, फोर्थ को छोड़ दो, ठीक है, इसमें भी देखो 1 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा क्लोरीन एंड 3 पे आ जाएगा कार्बन वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, समझ में आ रहा है जो मैं अभी बोला? डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वाई, बिकॉज मेरा वॉइस अगर क्लियर नहीं, लो
सब सो गए क्या? से रिप्लाई करो, सब कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये क्या होगा? क्लॉकवाइज नहीं, आर क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ? वॉइस क्लियर नहीं है। नो सर, कॉन्फ़िगरेशन वाला फिर से बता दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या बताया कि योर आई शुड बी, सॉरी, फोर्थ ग्रुप सेट से देखना पड़ेगा, सीडी में इमेजिन करो, ताकि जो फोर्थ ग्रुप है वो दैट शुड बी अवे फ्रॉम योर आई। ठीक है, आप इस साइड से नहीं देख सकते हो। अगर आप इस साइड से देखोगे ना, मान लो ये आपका आई है, मान लो आई है, ठीक है, अगर आप इस साइड से देखोगे तो क्या होगा? 1 2 3 आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन दिक्कत क्या होगा? फोर्थ ग्रुप आपके सामने आ गया ना, आपके सामने फोर्थ ग्रुप आ गया, फिर ऊपर जाके ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन और इस साइड पे कार्बन चेन आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग वे। आपको कहाँ से देखना पड़ेगा? आपका जो व्यूइंग एंगल होगा, व्यूइंग डायरेक्शन होगा, दैट शुड बी अवे फ्रॉम फोर्थ ग्रुप। इतना समझ में आ गया? बस इतना बोल दो, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? तो आप ऊपर से देखोगे, क्योंकि फोर्थ ग्रुप नीचे है, तो आप ऊपर से देखोगे, इस साइड से देखोगे, इस साइड से आप देखोगे। ठीक है, दिस इज द राइट वे, दिस इज नॉट, दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, देखो इजीएस्ट तरीका है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये समझने का इजीएस्ट तरीका है, बाकी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या होगा? 1 2 3 ऐसे हो रहा है ना, 1 2 एंड 3 ऐसे, 1 2 3 डबल डबल स्टार के लिए, सिंगल स्टार एनी प्रॉब्लम? ठीक नो सर। और मान लो नो वन कैन सेज दैट, सो दैट एस विल रोटेट क्लॉकवाइज और आर विल रोटेट क्लॉकवाइज। ओके, दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, कोई भी नहीं बोल कॉन्फ़िगरेशन के सकता। साथ जो भी बताया कुछ सुनाई नहीं दिया, ऑडिबल नहीं था सर। क्या बोलो, बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन के बाद बता? आपने जो भी बताया, प्लस माइनस एंगल ऑफ रोटेशन जो भी था, वो ऑडिबल नहीं था।
अच्छा ऑडिबल नहीं था, ठीक है दोबारा बोल रहा हूँ देखो। देन व्हाट विल हैपन? समझ में आया? अब आ गया समझ में? जल्दी बताओ क्या सर फिर से ऑडिबल नहीं था। सर प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऑडिबल है? अच्छा मैंने क्या बताया था, एस और आर में क्या होता है? इफ एस रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इनटू +12, देन आर विल रोटेट प्लेन पोलराइज इनटू -12 डिग्री। आई मीन कोई भी एक अगर +X होगा तो दूसरा क्या होगा? -X डिग्री होगा। मान लो दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, ओके प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर एस क्या करेगा +12 में करेगा तो -12। समझ में आ गया? इतना सर ये एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन है। एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन है, यस फॉर एस एंड फॉर आर। ओके सर। तो क्या होगा? अल्टीमेट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतना समझ में आ गया? यस सर। एस क्या कर रहा है, एस क्या कर रहा है? +12 में रोटेट कर रहा है। आर क्या कर रहा है? -12 में रोटेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली द होल मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो देयर इज टू कायरल कार्बन, दो देयर इज टू कायरल कार्बन बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतना समझ में आ गया? वाई? क्योंकि आर एंड एस दोनों है उसमें। सर अभी तो तक सबको स्पेसिफिक समझ में आया? स्ट्रक्चर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सर क्या क्या बताओ क्या? रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है हाँ फिर। रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल है ऐसे, देखो बताओ। मान लो आपके पास ऐसे दो मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन कर दो, इसमें कुछ भी कर दो, क्लोरीन कर दो, हाइड्रोजन को बोल्ड कर दो और क्लोरीन को ऐसे कर दो, ठीक है? और सेकेंड में आपको ऐसा है कुछ कुछ भी मान लो, इसको आप इसको क्या होगा, 1 2 3, हाइड्रोजन ऊपर है तो क्या होगा? अल्टीमेटली एस होगा। एस होगा तो क्या होगा? दिस इज आर होगा ये, ठीक है? तो मान लो दोनों सेम अमाउंट में है, ये भी आपका 1 मोल है, ये भी आपका 1 मोल है, तो क्या होगा? दिस विल बी रेसिनिक, रेसिनिक मिक्सचर। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। वाई? ये अगर +X में रोटेट आर और करेगा एस तो हाँ, दोनों है। ये भी ये -X में रोटेट करेगा। तो सिमिलरली एक मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो आर एन एस होता है, देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर आर भी है एस भी है, ये आपका हो गया एस, ये आपका हो गया आर, दोनों है ना सेम मॉलिक्यूल के अंदर, क्या होगा? दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतना समझ में आ गया? यस सर। बस इतना का समझ में आ गया तो काफी, आज के लिए काफी है। और तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होगा, वापस रेसिमिक मिक्सचर से समझ में आ गया? आप ठीक है, आप मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, दो मॉलिक्यूल है ना, अमाउंट ऑफ
वन मॉलिक्यूल इज 1 मोल एंड अमाउंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज मान लो कि 1.2 मोल, तो क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और एक्टिव होगा टोटल मिक्सचर? क्यों सर एक्टिव होगा एक्टिव क्यों होगा? सर, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में नहीं है दोनों मॉलिक्यूल्स। सेम प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा मॉलिक्यूल में? 0.2 मोल आर एक्सेस में होगा, यस सर, दैट विल कॉज ऑप्टिकल रोटेशन, दैट विल कॉज ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है ना? यस सर। एनी डाउट? सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल कॉल एनेंसियोमेरिक एक्सेस। ओके, आर एंड एस आर दिस टू मॉलिक्यूल आर एनेंसियोमर। एनेंसियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है, अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन तो लैपटॉप आ जाए, पहले 3D में आपको दिखाऊंगा, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज एनेंसियोमर, व्हाट इज डायस्टेरियोमर, व्हाट इज मीसो कॉम्पाउंड, व्हाट इज नॉट एट ऑल स्टेरियोआइसोमर। ठीक है, अगले दिन पढ़ेंगे। तो अभी तो मान लो कि दिस टू मॉलिक्यूल आर एनेंसियोमर, when the amount of two molecules are same then it will be called as racemic mixture, specific rotation will be zero, and when any molecule are in excess like in this mixture, one molecule of S enantiomer and 1.2 mole of R enantiomer are there. Okay, so there is 0.2 mole excess R, so these types of mixture is called enantiomeric एक्सेस मिक्सर। लिख लो, नोट में लिख लो। कितने समझ में आ गया? चलो, वीडियो को पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।